दोस्तों, अगर आप भी अपनी बॉडी को सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक सिक्स पैक एब्स बॉडी के लिए ना केवल आपको अपनी ट्रेनिंग बल्कि साथ ही डाइट का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। आपको शुगर कट करनी पड़ती है ताकि आपके पेट पर फैट ना बढ़े, और डेली आपको ऑयली चीजों से दूर रहना पड़ता है। डाइट के ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से, जो कि है हैंगिंग लेग रेस। दोस्तों, दो स्टेजेस होती हैं इस एक्सरसाइज की। पहली, आपको हैंगिंग करते हुए अपने घुटनों को ऊपर की तरफ रेस करना है, वो भी बिना अपनी बॉडी को ज्यादा मूव कराए। दूसरी स्टेज पर दोस्तों, आप जब इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर होंगे तब आप अपने पैरों को बिना बेंड करे ऊपर की तरफ रेस करेंगे। ये होती है दोस्तों असली हैंगिंग लेग रेस दोस्तों, जिससे आपके लोअर एब्स ट्रेन होते हैं और बॉडी का फैट बर्न होता है। इसके बाद है दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज, जो कि है क्रंचेस। दोस्तों, क्रंचेस के काफी सारे वेरिएशन होते हैं, पर जो सबसे बेसिक वेरिएशन है वही आपके एब्स के वर्कआउट के लिए सबसे बेहतर है। आपको इस तरह जमीन पर अपने पैरों को थोड़ा फोल्ड करना है और अपनी बॉडी को अपने थाइस तक पुल करना है, पर ध्यान रहे आपको ज्यादा तेज फोर्स नहीं लगानी है। अपने कोर की स्ट्रेंथ की मदद से आपको अपनी बॉडी को ऊपर पुल करना है, अपने हाथों की फोर्स बिल्कुल नहीं लगानी है। दोस्तों, क्रंचेस आपके एब्डोमिनल मसल्स को एकदम सॉलिड बनाते हैं और आपके अपर और मिडिल एब्स को ट्रेन करते हैं। इसके साथ ही इसका एक और वेरिएशन है दोस्तों, जो कि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फायदेमंद समझता हूँ, ये है सीटेड क्रंचेस। दोस्तों, किसी फ्लैट सरफेस पर अपनी बॉडी को 145 डिग्री ऑफ एंगल की पोजीशन में लाना है और अपनी लेग्स को अपनी बॉडी की तरफ पुल करना है, मतलब खींचना है। देखिए इस तरह। दोस्तों, ये एक्सरसाइज मेरी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होती है जब भी मैं अपने एब्स ट्रेन करता हूँ। इसे जरूर करिएगा और आपके एब्स बहुत जल्दी निकल आएंगे। इसके बाद है प्लैंक। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि प्लैंक से एब्स कैसे निकल सकते हैं, मैं बताता हूँ। प्लैंक करने की मदद से आपके कोर पर जो फैट होता है दोस्तों, जो मसल मास होता है, प्लैंक एक्सरसाइज उसे बर्न करती है और एब्स को उभारने में आपकी हेल्प करती है। इसी वजह से प्लैंक करना भी काफी जरूरी होता है अगर आपके पेट पर अनवांटेड फैट है तो। दोस्तों, एब्स कोर के सेंटर में होते हैं तो वहां के लिए तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से रिजल्ट देंगी ही एब्स को बिल्ड करने में, और प्लैंक की मदद से फैट भी बर्न हो जाएगा। पर दोस्तों, जो ऑब्लिक्स होते हैं जिन्हें एब्स के साइड में देखते हैं आप, उनका क्या होगा? आप उनके लिए दोस्तों रशियन ट्विस्ट कर सकते हैं। इस तरह से करने हैं, देखो आपको, जिसकी मदद से जो साइड फैट होता है, जो आपकी कमर का अनवांटेड फैट होता है, वो लॉस होता है और वहां पर ये शेप्स और कट्स निकलते हैं जो आपके एब्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देते हैं। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।